नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पहले से ही बीपीएससी पेपर लीक मामले में काफी फंस चुके निलंबित डीएसपी जो रंजीत कुमार रजक हैं, उनकी परेशानी एक बार फिर से और बढ़ गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब उनके कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है और इस मामले में रंजीत कुमार रजक की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ती जा रही हैं। आपको पता है कि रंजीत कुमार रजक को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उनके निलंबन की प्रक्रिया हुई और उसके बाद अब जो है उनके संपत्ति को टटोला जा रहा है, कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। बीपीएससी पेपर लीक का मामला जब से उजागर हुआ उसके बाद से ही रंजीत कुमार रजक जो है सुर्खियों में आ गए। यह कहा जाने लगा कि एक डीएसपी जिसके कारण और जिसकी मिलीभगत से यह सारा काम हुआ, इनको बड़ी गिरफ्तारी के रूप में देखा गया। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर, आप देखिए जो नोट हम आपको दिखा रहे हैं, जो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, जो प्रेस रिलीज दिखा रहे हैं, उसमें भी साफ साफ लिखा गया है कि कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देखिए, अगर सिलसिलेवार ढंग से हम आपको कहां कहां छापेमारी हो रही है वो अगर बताएं तो वीणा विहार नीति बाग कॉलोनी थाना रूपसपुर पटना स्थित किराया का आवास है और फ्लैट नंबर 202 में लगातार छापेमारी चल रही है। इतना ही नहीं, इसके अलावा उनके पैतृक मकान पर भी ग्राम हसवर थाना मनिहारी जिला कटिहार, वहां भी जो है काफी जो है छापेमारी चल रही है, दबिश चल रही है। और ये छापेमारी जो है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा की जा रही है, यानी कि ईओयू के द्वारा दबिश दी गई है रंजीत कुमार रजक के कई ठिकानों पर छापेमारी। इतना ही नहीं, रंजीत कुमार रजक का ससुराल शिवानंद बैठा महादेव चौक वार्ड नंबर 15 अररिया में भी ये छापेमारी जारी है। रंजीत रजक जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है उन पर नकेल कसती नजर आ रही है। बीपीएससी के मामला जब से सामने आया उसके बाद से ही डीएसपी रंजीत कुमार रजक की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उन्हें निलंबित किया गया और अब जो है आर्थिक अपराध इकाई ने ये कहा है कि आय से अधिक संपत्ति, मतलब कि जितनी उनकी आय है उससे 81.9% अधिक संपत्ति उन्होंने अर्जित की है। जाहिर सी बात है, इतना भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इतने काले कारनामे किए हैं इन्होंने, तो साफ तौर पे ये तो जाहिर ही होता है कि कितनी संपत्ति अर्जित की होगी। अपने पद का दुरुपयोग भी किया होगा, काफी पैसों का हेरफेर भी किया होगा और टेबल के नीचे से पैसे भी लिए होंगे। ये तो एक प्रथा सी चली आ रही है बिहार में। खैर, उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल रंजीत कुमार रजक के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ आर्थिक अपराध इकाई ने छापेमारी शुरू कर दी है और इस छापेमारी के बाद जो खुलासा होगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यह कहा जा रहा है कि 81.9% काफी बड़ा आंकड़ा है। देखिए, जितनी उनकी आय है उससे 81.9% जो है आय है उनकी, जो संपत्ति अर्जित कर रखी है उन्होंने, उसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो गई है। और जो एड्रेस हमने आपको बताया, पूरा विस्तार से एड्रेस समझाया आपको कि कहां कहां छापेमारी चल रही है। पहले बात बताया हमने आपको कि कटिहार में जो उनका पैतृक मकान है वहां छापेमारी चल रही है, इसके अलावा पटना के जो है आवास में वहां छापेमारी चल रही है, ससुराल तक में जो है छापेमारी चल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आप देखने वाली बात है कि जब यह छापेमारी पूरी हो जाती है तो कितनी संपत्ति उजागर होती है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।